इस लड़ाई की वजह से पहली बार मुगलों ने भारत पर कदम रखा, वो लड़ाई थी पानीपत की पहली लड़ाई। ये लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल साल 1526 को हरियाणा के पानीपत के एरिया में। इस लड़ाई में एक तरफ थे इब्राहिम लोदी जो उस समय दिल्ली के सुल्तान थे। इनके साथ इस लड़ाई में लगभग 1,00,000 फौजी थे और उनमें बहुत सारे घुड़सवार थे और हाथी भी थे। जब बाबर ने ये देखा कि वो अपने साथ सिर्फ 15-20 हज़ार की सेना लेके आए हैं और सामने से इब्राहिम लोदी लगभग 1,00,000 सैनिक लेके आ रहा है, तो उसने अपनी आर्मी को इस तरह से सेट किया कि आर्मी के एक तरफ पानीपत था और दूसरी तरफ था एक बहुत बड़ा गड्ढा जिसमें उसने पत्तियां और डालियां डाल दी थी। बाबर का सबसे बड़ा हथियार था उसकी तोपें। उसने अपनी तोपों को लाइन से आगे सेट कर दिया और तोपों के आगे उसने बहुत सारी बैलगाड़ियां सेट कर दी ताकि सामने वाली सेना को ये तोपे नजर ना आए और ये तोपे जब चाहे अपने मन से फायर कर सकती है। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के कंपैरिजन में बहुत छोटी थी, फिर भी इस लड़ाई में बाबर की जीत हुई और इसी लड़ाई के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई।